भारत समान धर्म संवेदनशील मित्रों, भारत देश की और किसी भी देश की एक भाषा होती है। और फिर जिस देश को स्वाधीनता हिंदी भाषा से प्राप्त हुई, हिंदी भाषा के द्वारा स्वाधीनता हासिल करने में सफलता मिली, कम से कम उस देश की भाषा तो हिंदी होनी चाहिए। जबकि सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। आम जनता को हिंदी भाषा वैसी ही अपनी लगती है जैसे किसी भी देश की एक राष्ट्रभाषा लगनी चाहिए। विश्व के सभी देशों की अपनी एक भाषा है और उसी भाषा से उस देश की अस्मिता और पहचान बनी हुई है, और उसी भाषा के आधार पर उस देश की शक्ति विश्व के सामने प्रकट होती है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव पर देश ने 75 वर्षों की अपनी यात्रा में विश्व में जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, उस अर्जित प्रतिष्ठा के पुनर्स्थापन के लिए, पहचान के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया जाए, सरकारी कामकाज की भाषा मान लिया जाए, जिससे कम से कम लोगों को ये कहने का अवसर ना मिले कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा के होने के बावजूद भारत देश में अभी ये राष्ट्रभाषा के स्तर पर या राष्ट्रभाषा के खिताब को नहीं प्राप्त कर सकी है। मुझे लगता है कि स्वाधीनता प्रदान करने में समर्थ हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, तभी पूरा देश संगठित हो सकेगा और विश्व को भी संगठित शक्तियों के रूप में दिखाई देगा। भारतवर्ष की हर प्रादेशिक भाषा राष्ट्र की शक्ति है और हर प्रादेशिक भाषा ये चाहती है कि विश्व के समक्ष देश की पहचान एक भाषा में बने और वो भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस तरह से बिना किसी मतभेद के या भारतीय जनता के भीतर बिना किसी विभेद नीति के भारतीय आम जनता के द्वारा प्रादेशिक भाषाओं की संपूर्ण आत्मीयता के साथ हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि यह देश विश्व के समक्ष भाषा के स्तर पर भी एक राष्ट्र दिखाई दे, क्योंकि जिस राष्ट्र की भाषा एक होती है उस राष्ट्र में एकता भी बहुत ही प्रकट रूप से लोगों को अनुभव और दिखा होती है। इसलिए आवश्यक है कि पूरी जो सांस्कृतिक विरासत है, भारतवर्ष की सांस्कृतिक शक्ति एक सूत्र में पिरोने वाली जो भाषा उस समय महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों को अनुभव हुई, पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, आज भी स्वाधीन भारत के लिए वही भाषा सर्व महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसलिए भी आवश्यक है कि भारतवर्ष के बाहर भारतवंशी बहुल देशों में भारतीयों के द्वारा, प्रवासी भारतीय और भारतवंशियों के द्वारा हिंदी भाषा परिवार की बोलियां ही बोली जाती हैं और उन्हीं बोलियों के समुच्चय से उन लोगों ने जो अपनी भाषा बनाई है उसे या तो वो हिंदुस्तानी कहते हैं, और हिंदुस्तानी भाषा परिवार की भाषा के विभिन्न नाम रखे हैं, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है, जो मूल स्रोत है,
हिंदी भाषा परिवार की बोलियां हैं। तो मुझे लगता है कि भारत से बाहर भारतवंशियों के द्वारा अगर हिंदी भाषा परिवार की बोलियां और प्रादेशिक भाषाएं उनके जीवन और आचरण में सुरक्षित हैं, तो भारत देश में, स्वदेश में हिंदी भाषा का वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित होना चाहिए। राजकाज की भाषा, शिक्षा की भाषा, कानून की भाषा इसे होनी चाहिए, जिससे कि आम जनता इसे पूरी तरह से समझ सके और उसके साथ सरकारी तौर पर जो व्यवहार होता है, जो नियम कानून बनते हैं, उसे समझने में उसे असुविधा ना हो। इसलिए मैं पूरे समर्थन के साथ नीदरलैंड से हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने में अपना पूरा सहयोग करें और सरकार के समक्ष पूरी विनम्रता से इसे स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और पुनः हम मिलेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।